करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा, सपोज एक कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और करंट जो है प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज स्टैटिक था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट कैसे होगी, उनकी मूवमेंट होगी क्योंकि हम कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। तो चार्ज की मूवमेंट तो होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, तो क्या बोला जाता है, क्या प्रोड्यूस हो गया उसमें, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। देखो ये सही नहीं है बोलना चार्ज अपॉन टाइम। मान लो आपके पास एक कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा था 10 कूलम, और लेट अस सपोज अब थोड़ी देर में वो 12 कूलम हो गया, तो चेंज इन चार्ज कितना हुआ, 12 में से 10 किया 2 कूलम, और कितने टाइम में हुआ वो टाइम नोट कर लिया जाए, डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितना टोटल चार्ज प्रोड्यूस हुआ या कितना चार्ज फ्लो हो गया, कितने टोटल टाइम में फ्लो हो गया, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो कौन सा करंट देगा, आपको एवरेज करंट देगा। लेकिन करंट का फ्लो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे मान लो 10 कूलम से 12 कूलम हुआ, 10 से 10.1 हुआ होगा, 10.2 हुआ होगा, 10.3 हुआ होगा, फिर एकदम हो सकता है 11 हो गया होगा, फिर एकदम 12 हो गया होगा। तो जो रेट है कर चार्ज का फ्लो करने का, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टेंट होगा। हाँ ठीक है, टोटल चार्ज 2 कूलम है, टोटल टाइम 2 सेकेंड है, इट्स ओके, तो आप एवरेज करंट तो निकाल ही सकते हो, लेकिन हर इंस्टेंट पे क्या होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोशन के अंदर निकाला करते थे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी से क्या निकलती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरीके से एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर मैं टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम लूँ, ये कुछ ना लगाऊँ, तो आपको ये करंट क्या, करंट को क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। पर अगर मैं इंटरवल छोटा कर दूं, डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा टी एरो जीरो का मतलब अप्रोचिंग टू जीरो, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है यानी कि इंटरवल बहुत छोटा है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा डी क्यू, और ये क्या बन जाएगा डी टी। तो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये कौन सा करंट कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये कौन सा करंट है, एवरेज करंट, ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो आए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एवरेज करंट है, एंड डी क्यू बाय डी टी इंस्टेंटेनियस करंट है। अब जो करंट है जो वायर में मूव करता है, आई करंट वायर में मूव कर रहा है, ये टाइम के साथ मूव कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी अपनी वैल्यू को ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कुछ करंट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे इंटरवल के लिए आते हैं और बहुत ही ड्रास्टिकली अपनी करंट की वैल्यू को बहुत हाई कर लेते हैं, बहुत लो कर लेते हैं। जैसे लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तो दो क्लाउड्स के चार्जेस टकराते हैं और चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। तो बिजली एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में भी जाती है, एक क्लाउड से अर्थ में भी आती है, और ये बहुत छोटे इंटरवल के लिए आती है, सबको पता है, और इसमें चार्ज का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, करंट बहुत लार्ज होता है, लेकिन इंटरवल बहुत छोटा होता है, करंट बहुत लार्ज होता है। तो ऐसे करंट का क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट्स। तो ट्रांजिएंट करंट्स जैसे कि लाइटनिंग विच इज फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स या क्लाउड टू अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिएंट करंट, दैट इज अ करंट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। हम इस करंट को स्टडी नहीं कर रहे, वो पहले ही क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया भर के करंट को स्टडी कर लेंगे, नहीं, हम इस करंट को स्टडी नहीं कर रहे जो कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डील करता है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। फिर वो कहता है कि ठीक है, करंट एम्पियर, चार्ज कूलम, टाइम सेकेंड, समझ में आ रहा है। हम किसे स्टडी कर रहे हैं, हम नॉर्मल करंट को स्टडी कर रहे हैं जो डोमेस्टिक अप्लायंस में होता है, जैसे कि किसी कंडक्टर वायर्स में जा रहा है। तो हमारे घरों में डोमेस्टिक अप्लायंस में जो करंट यूज होता है
उसकी वैल्यू की रेंज क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसी रेंज में रहता है। जो लाइटनिंग का करंट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, कितना, 10 की पावर 4 एम्पियर। सोचो 1 एम्पियर करंट अपने को टच करता है तो क्या होता है, और 10 की पावर 4 एम्पियर जिसके ऊपर गिरेगा उसका क्या होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर भी करंट, हमारी बॉडी के अंदर करंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो करंट है वो होता है 1 माइक्रो एम्पियर। डेंजरस नहीं है बॉडी के लिए, तभी जी रहे हैं, डेंजरस होता तो कहाँ रहते। और कईयों की बॉडी के अंदर ये करंट का अमाउंट भी ज़्यादा होता है, आपने देखे होंगे एक्सेप्शनल केसेस, करंट से असर नहीं होता उनको ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली, उनके नर्व्स ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ना तो हम इससे स्टडी कर रहे हैं, ना हम इसे स्टडी कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल करंट को स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं आप ये लॉज को उस पर मत लगाना शुरू कर देना, तो आप नॉर्मल करंट को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो करंट के अंदर कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ, इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। पर हम पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट तो लेते ही नहीं, हमारे कंडक्टर में क्या मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, उल्टी तरफ। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली करंट तो इधर ही मूव करेगा। तो आपने सुना भी होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है। तो हम इस करंट को स्टडी करेंगे, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि हमारे कंडक्टर में क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपका आई और ये आपका टी, करंट और टाइम। तो आपको आएगा कि ठीक है, कोई भी ग्राफ देगा करंट वर्सेस टाइम का, और आपको ये जो है ये ग्राफ दे रहा है इस तरीके से, पहले करंट बढ़ रहा है फिर करंट कांस्टेंट हो गया। आपको क्या कहेगा, टोटल चार्ज बताओ कितना पास होगा 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, कितना चार्ज पास होगा। तो जो करंट होता है क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो अगर आपको आई और टी ग्राफ गिवन है और आप इसमें क्या निकालें, आप इसके अंदर एरिया निकाल दें इसका, तो ये आई है और ये टी है, करंट इंटू टाइम। तो एरिया आपको क्या देगा, चार्ज। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे फिगर के अंदर टोटल चार्ज निकाल लें, तो इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, टोटल चार्ज कैसे आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का जो सिंबल है वो है छोटा जे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, वैसे तो हमने काफ़ी डेंसिटीज पढ़ ली, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमने नॉर्मल डेंसिटी, वॉल्यूम वाली डेंसिटी, बहुत कुछ पढ़ लिया। एक और डेंसिटी है जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी सिंपल ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये देखो, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये अंदर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कंडक्टर है और अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर ये आपका कोई भी कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस केस में इसका एरिया सपोज कितना है, डेल्टा एस, डेल्टा एस, और इसमें कितना करंट चेंज हो गया, डेल्टा आई। तो कितना करंट चेंज हुआ कितने एरिया में से, उन्हें अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आएगी, करंट डेंसिटी। क्योंकि अल्टीमेटली करंट पास कहाँ से होगा, एक वायर के अंदर पास होगा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास होगा। तो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, सिंपल टर्म में ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपोज आपके पास कोई भी कंडक्टर है, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो एस है, टोटल करंट इसमें से आई है, तो अगर आप आई को एस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, करंट डेंसिटी। तो कितना करंट पास हो गया, कितने क्रॉस सेक्शन में से पास हो गया, उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस केस में, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक क्रॉस सेक्शन में से थोड़ी देर पहले देखा मैंने ज़्यादा करंट पास हो रहा था,
थोड़ी देर बाद देखा उसी एरिया में से कम करंट पास हो रहा था। मेरे को किसी ने ये बोला कि सर टोटल करंट पास हुआ 10 एम्पियर, उसने ये तो नहीं बताया कि शुरू शुरू में करंट ज़्यादा था फिर करंट कम था, नहीं बताया। तो टोटल करंट कितना बताया उसने, 10 एम्पियर, कितनी देर में, 10 सेकेंड में। तो मैंने डिवाइड कर लिया तो मेरे पास कौन सी करंट डेंसिटी आ गई, एवरेज, क्योंकि मैंने टोटल चेंज ऑफ करंट अपॉन टोटल एरिया को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गई, एवरेज करंट डेंसिटी। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अंदर करंट कॉन्स्टेंट रेट से जाएगा, कहीं पर ज़्यादा जा रहा है कहीं पर कम जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स लूँ, DS, TS, DS ऐसे लूँ, तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, DI, DI, DI। अब किसी में ज़्यादा करंट जा रहा होगा DS में, किसी में कम जा रहा होगा, तो इसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी करंट डेंसिटी कम होगी। तो अंदर करंट डेंसिटी कैसे चेंज होगी ये तो इंस्टेंट पे डिपेंड करेगा किस पोर्शन की बात हो रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर डेल्टा एस को इंटरवल को बड़े एरिया को छोटा में डिवाइड कर लें तो लिमिट डेल्टा एस की क्या कर ले, 0। तो डेल्टा एस क्या बन जाएगा, TS। तो करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी, DI/DS। क्लियर है यहाँ तक? तो DI क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, J × DS। तो ये स्मॉल करंट जाएगा उस DS स्मॉल एरिया में से, पर आपको क्रॉस सेक्शन में से टोटल करंट पास करवाना है तो आप दोनों साइड की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ J/DS। कोई डाउट इसमें, टॉलन वालों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक, जो करंट है उसकी डायरेक्शन है पर वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि करंट जंक्शन पे आके कई डायरेक्शन एक्वायर कर लेता है तो उसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, तो ये कंप्लीट वेक्टर नहीं है, स्केलर है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, करंट डेंसिटी स्केलर नहीं है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है और करंट इसमें से कितना पास हो रहा है, आई, तो इसमें करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, करंट बाय एरिया, क्योंकि मैंने वेक्टर लिखा तो पीछे क्या लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन लगाने के लिए क्या लगाया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या लगाया, एस कैप। अब ये एस कैप क्या है, एस कैप डायरेक्शन शो करेगा किसकी, करंट डेंसिटी की। एस कैप एरिया वेक्टर है क्योंकि ये एक पोर्शन है, इसका क्या होगा, कोई एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एस कैप यूनिट वेक्टर है, जो एरिया वैसे ये एस है लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, एस कैप है। अब प्रॉब्लम यह है, कई लोग सोचेंगे एस कैप राइट भी हो सकता है और एस कैप लेफ्ट भी तो हो सकता है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो मेरे को कैसे पता लगा कि इधर ही लेना है। तो एस कैप किसी भी कंडक्टर के अंदर जब एरिया वेक्टर लिया जाता है तो वो करंट की डायरेक्शन के साथ ही जाएगा, तो अगर करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इसी तरफ, तो करंट डेंसिटी भी कहाँ होगी, इसी तरफ। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर इधर, करंट डेंसिटी भी इधर, तो अगर करंट इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर इधर, करंट डेंसिटी भी इधर। तो सारा कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, करंट खुद तो स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी कौन बता रहा है, करंट बता रहा है और साथ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी करंट का फ्लो ही बता, लेकिन खुद वो क्या है, स्केलर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी कंडक्टर ऐसा हो, देखो एक वायर है, क्रॉस सेक्शन वायर है, क्रॉस सेक्शन वायर को आपने ऐसे काट दिया, कट कर दिया, तो आपने कट किया तो एरिया ऐसा दिखेगा आपको बिल्कुल सीधा, लेकिन अगर आपने उसको टेढ़ा काट दिया, ऐसे काट दिया, आपको क्रॉस सेक्शन क्या दिख रहा है, टेढ़ा। वायर टेढ़ी भी तो कट सकती है। तो ये रूल याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर है, ये एरिया वेक्टर है, पर आपने इसको कैसे काट दिया, टेढ़ा, तो अब एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। तो पहले अगर एरिया वेक्टर ऐसे था तो एरिया वेक्टर इधर था, अगर ये टेढ़ा हो गया तो एरिया वेक्टर कहां पर हो गया, ऐसे हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है?
नहीं करंट के बारे में, करंट इज अ स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन ऐसे होएगी नहीं। बताता हूँ बताता हूँ, ये क्लियर है पहले, अभी शुरू हुआ ना टॉपिक। तो एस वेक्टर की, एस वेक्टर यहाँ नहीं लेंगे यहाँ लेंगे, ये समझ में आया। आगे तो यही किया, एस वेक्टर शुरू में तो ऐसा था, हमारा एरिया वेक्टर इधर चला गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट ले लिया, कितना, एस कॉस थीटा। तो जब मैं यहाँ पर करंट डेंसिटी को डिफाइन करूंगा, तो अब मैं करंट बाय एस नहीं लूंगा, अब मैं करंट का क्या लूंगा, एरिया का क्या लूंगा, कॉम्पोनेंट लूंगा जो मेरे एरिया के साथ परपेंडिकुलर है, और वो कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, एस कॉस थीटा। तो क्या बनेगी, करंट डेंसिटी आई डिवाइडेड बाय एस कॉस थीटा। अगर ये पोर्शन सीधा होता, थीटा क्या हो जाता, जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाता, वन, तो आंसर क्या आ जाता, आई बाय एस। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो आप पूछ रहे थे फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो आई क्या होगा, जे इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब इतना करंट उस क्रॉस सेक्शन में से पास करेगा, तो फायदा देखा करंट डेंसिटी का, कैसे इनडायरेक्टली करंट डेंसिटी यूज हो रही है इन कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो जे इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर, और कॉस थीटा, तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो करंट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो करंट को स्केलर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जे डॉट एस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। जैसे एक वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसका रेडियस कितना है, आर। इस वायर में टोटल करंट आए जा रहा है, अब कैसे, क्योंकि अंदर तो पूरा कंडक्टर है, मटीरियल भरा हुआ है, तो करंट उसमें से पास हो रहा है। वो कह रहे हैं जो करंट डेंसिटी है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 4x2। रेडियस तो आर है, तो अगर मैं यहां पर एक्स लूं, तो इस रेड पोर्शन में से करंट जाएगा, और अगर मैं थोड़ा ये पोर्शन बड़ा कर दूं, तो एक्स मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया, तो इसमें से करंट जाएगा। ऐसे होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि इस एक्सिस से आप कितनी दूर पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो, इस एक्सिस से कितनी दूर आप करंट को पास करवा रहे हो, राइट। तो आप ये बताओ मुझे, करंट डेंसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं है, करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। सोचो अगर एक्स जीरो है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप इस लाइन की बात कर रहे हो, एक्स जीरो का मतलब इसकी बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो, तो एक्स जीरो है, तो जे की वैल्यू भी जीरो है, तो यानी कि इस एक्सिस पे करंट डेंसिटी है ही नहीं, तो एक्सिस पे कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन जितनी दूर जाओगे, दूर जाने में एक्स की वैल्यू बड़ी 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 और बड़ी है, दूर जाने में एक्स की वैल्यू बड़ी 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 और बड़ी है। तो अगर दूर जाने में एक्स बड़ा है, तो दूर जाने में जे भी बड़ा है, और अगर दूर जाने में जे बड़ा है, तो वहां पर दूर पोर्शन में करंट भी बढ़ा है। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, इस सिलेंड्रिकल वायर में सबसे ज्यादा करंट कॉर्नर पे होगा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, फिर एक्सिस पे क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, और अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती तो यूनिफॉर्म जो मर्जी पोर्शन लोगे करंट सेम आएगा। तो जहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी कॉर्नर पे, वहां करंट भी ज्यादा पाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहां पर करंट कम है, फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, आपको बताना है इस पूरी वायर में टोटल करंट कितना है। तो आप ऐसे हर पोर्शन के छोटे छोटे करंट डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई को इंटीग्रेट करेंगे, और टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है, टोटल करंट कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है। पहले अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इसका स्मॉल एलिमेंट। अब एलिमेंट लेने की कहानी सुन लो, कोई भी कंडक्टर सिलेंड्रिकल है, ये पोर्शन आपको कैसे नजर आएगा, इसमें एरिया ही एरिया होगा, डिस्क की तरह नजर आ रहा है पूरा। तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि ये पोर्शन किसका बना हुआ है, छोटी छोटी रिंग्स का। जैसे इस पोर्शन को कंसिडर किया बस, तो पहले इसका डी आई आएगा, कंसेंट्रिक रिंग्स, फिर इसका डी आई आएगा, इसका डी आई आएगा, इसका डी आई आएगा, इसका डी आई आएगा, तो ऐसे हर रिंग में से डी आई को हम इंटीग्रेट करके टोटल करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पर एक स्मॉल रिंग ले ली, आप देख सकते हो इसका रेडियस मैंने क्या लिया, एक्स लिया, थिकनेस कितनी ली, डी एक्स ली। तो इस रिंग का ये शेडेड एरिया क्या निकलेगा, ये वाला एरिया क्या निकलेगा, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो एक रिंग का रेडियस क्योंकि मैंने एक्स लिया तो सर्कमफ्रेंस क्या लिया, टू पाई एक्स, और थिकनेस कितनी है, डी एक्स। तो ये शेडेड एरिया कितना है, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। इस पोर्शन की करंट डेंसिटी कितनी है, फोर एक्स स्क्वायर। तो इतने पोर्शन का करंट क्या होगा, करंट स्मॉल क्या होगा, जे डॉट डी एस, वैसे जे डॉट एस होता है पर क्योंकि आपने एरिया रिंग का स्मॉल लिया तो करंट भी आपका इसमें क्या निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर। तो करंट डेंसिटी कहां है, ऊपर। एरिया कहां है, ऊपर। तो दोनों ऊपर 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 का मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो। तो जे इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो, राइट। कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ऐसे केस में जे का मतलब क्या है, फोर एक्स स्क्वायर। एरिया कितना है, टू बाई एक्स इंटू डी एक्स। स्मॉल करंट आ गया उस रिंग में से, हमने अपने को क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके टोटल करंट क्या होगा, जीरो से कैपिटल आर तक इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट सॉल्व करके टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये तरीके हाउ टू कैलकुलेट टोटल करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एग्जाम्पल है। तो यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, बोलो क्या डाउट है सर। ये कॉस जीरो के लिए था, करंट कहां पर है, ऊपर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जे कहां है, ऊपर। करंट ऊपर, करंट डेंसिटी ऊपर, एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर। जब सब ऊपर 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 तो फिर एंगल जीरो। तो सर ये तो हर के होगा फिर, करंट तो और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम, नहीं ना हमेशा, नहीं ना। अगर वायर कटी हुई हुई, इस बताया था ना साइड पे कट रखी है, तब नहीं होता, फिर एंगल थीटा आता है। ओके, हां, जहां काट नहीं रखी सिंपल है वहां पर कोई चक्कर नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इसको कॉन्सेप्ट को समझो। आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको आपने वायर्स के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक, कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, कनेक्ट हो गया। अब जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और कहां मूव करेंगे, इस तरफ। और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। वैसे भी बैटरी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन तो वैसे मूव करेंगे ही, पर कहां मूव करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो, पॉजिटिव प्लेट, ये जो बैटरी का पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली उसको यही मूव करना है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू। मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, स्मॉल ई। तो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, कितनी, फोर्स बाय मास। फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्सलरेशन। हर इलेक्ट्रॉन का ई सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास सेम है, तो एक्सलरेशन हर इलेक्ट्रॉन की सेम है। तो बैटरी ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा, ठीक। एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज 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 करेगा यहां तक, लेकिन जो यहां बैठा होगा और यहां पहुंचना है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करती अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो आपको क्या लगता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये शुरू होता है 1 2 3 खत्म। तो इसका मतलब हर कोई इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी एक्वायर कर नहीं पाएगा। हाँ, एक्सलेशन सबकी सेम जरूर है,
किसी को एक्सेलरेट करने का चांस ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। अब जो बैठा ही यहां पे हुआ है वो तो क्या ही एक्सेलरेट करेगा, वो तो ऑन करते ही वायर बैटरी में घुस गया और वापस आ गया। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप बैटरी ऑन करते हैं चाहे एक्सेलरेशन सबकी सेम है लेकिन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स सबकी सेम नहीं होती, क्योंकि टाइम टू एक्सेलरेट सबका सेम नहीं होता। किसी कोई ज्यादा एक्सेलरेट टाइम के लिए कर रहा है, कोई कम कर रहा है। जो ज्यादा कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो कम कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक, यस सर। तो अब अगर हर की वेलोसिटी डिफरेंट है और 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूं आपको 1 लाख इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताऊं क्या होगी? ये कैसे निकालोगे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में उनमें से किसका ही फर्क होगा? हम क्या करते हैं, इन सबका क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो एक वैल्यू अटेन कर लेंगे हम, उस कांस्टेंट या स्टेडी वैल्यू को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। हालांकि इन एक्चुअल वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं लेकिन एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो उस एक एवरेज वैल्यू अटेंड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है सब अप्रोक्सीमेशंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हम क्या करने जा रहे हैं, टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, एक सेकंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालेंगे इसमें एवरेज वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपकी इस बुकलेट में क्या लिखा हुआ है कि रेफर एनसीईआरटी की बुकलेट फॉर प्रूफ। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ नोट नहीं किए या मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, तो आप एक काम करें, देखो प्रूफ करते हैं। देखो तो आपकी बुकलेट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का गिवन है, मैंने बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या बताया कि दिस इज स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी, स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी। मालूम है एक वायर में जब करंट चलता है, करंट जो है मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो स्पीड है वो कितनी आसपास होती है, 10^-5 मीटर पर सेकंड के आसपास, यानी कि 0.00001 मीटर पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और तो भी क्या जबरदस्त करंट लगता है अपने आप को, क्यों, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत कम है, तो फिर क्या ही करंट पैदा करता है, कुछ भी नहीं, फिर भी शॉक लगता है क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर कोई छोटा छोटा करंट भी अगर पैदा कर देगा तो करंट की वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है 1 एम्पियर, तो अपनी बॉडी के लिए सेफ नहीं है वो। ठीक, तो इसमें स्टेडी वेलोसिटी है, इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे एक कंडक्टर है, बैटरी है और मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इसमें मान लो A1, A2, A3, An एक्सेलरेशन हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर किए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन देखो हर इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट रहेगी, मैंने बताया था कितनी, E बाय M, QE बाय M कांस्टेंट है। मैंने लेकिन डिफरेंटली, पर डिफरेंट अभी ली, लेकिन बाद में कह दूंगा कि A1, A2, A3, An सब एक ही बात है। तो ये सारी एक्सेलरेशन का मतलब एक है, स्केलर में लिखा, पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर वेक्टर लिखेंगे तो साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। रीजन,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? इस तरफ। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो वेक्टर अगर लगाएंगे तो साइन क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब मान लो पहला इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सबसे पहले एक और पॉइंट को समझ लो कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बैटरी को ऑन नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या सोचते हो? रेस्ट पे पड़ा होगा बस? नहीं, इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में होता है, हर वक्त वो मूव करता है, रूम के टेम्परेचर से एनर्जी लेता है और एनर्जी एक्वायर करके वो मूवमेंट करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तो काफी लोग कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिर करंट में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए उसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन करंट में कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन नहीं करता। आप किसी भी कंडक्टर को हाथ लगाते हो उसमें कोई करंट नहीं होता, ऐसे होता है, जबकि हर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर आपके पास मान लो ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो सोचो रेंडम मोशन में है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर राइट जा रहा है तो इमेजिन करो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी आ रहा होगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है तो करंट पैदा करता है, तो अगर इसने करंट की को लेफ्ट जनरेट किया तो इसने राइट जनरेट किया विद सेम अमाउंट, तो दोनों करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट अफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की जीरो मानी जाती है, नेट करंट क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। तो पॉइंट क्लियर है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे हैं, 10,000 इधर भी क्रॉस कर रहे हैं, तो नेट अफेक्ट उसका आपस में कैंसिल होता रहता है। तो इसलिए जब हम बैटरी नहीं अप्लाई करते तो खाली पड़ा हुआ कंडक्टर करंट में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? पर जैसे ही आप अप्लाई करते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो एक्सेलरेट करता है। तो मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और v = u + at टाउ टाइम लेते हैं इसमें, तो t1 टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की? v1। ऐसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने t2 टाइम में कितनी वेलोसिटी एक्वायर की? v2, और nth ने vn। तो हर की वेलोसिटी डिफरेंट है, पर हमने क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सबका एवरेज। तो सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय n, तो क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। तो v1 की जगह v2 की जगह v3 की जगह vn की जगह। क्लियर है? तो रीअरेंज किया u1 u2 u3 un एक ब्रैकेट में, एक्सेलरेशन मैंने बताया सबकी सेम है, तो एक कांस्टेंट आ गया, तो क्या बचा? t1 t2 t3 अप टू tn बाय n। तो आपके पास सॉल्व करके ये टर्म आ गई। पर मैंने आपको क्या कहा? सभी इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियली नेट वेलोसिटी का सम क्या होगा? जीरो। ऑब्वियसली इसके ऊपर वेक्टर भी लगा लेना, यहां वेक्टर मिस हो गया, यहां पर वेक्टर है, ये वेक्टर्स है। तो इनिशियल वेक्टर सम सबका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जीरो, क्योंकि इनिशियली क्या माना जाता है कि उनका कोई भी मूवमेंट माना नहीं जाता, तो इनिशियल उनकी नेट वेलोसिटी जीरो। और ये क्या बन गया? a इंटू टोटल टाइम बाई n। अब एक इलेक्ट्रॉन t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होता है, दूसरा t2, तीसरा t3। अब मैं लाखों इलेक्ट्रॉन्स का t1, t2, t3 थोड़ा निकाल लूंगा कि सबका अलग अलग टाइम एक्सेलरेट करने का। तो मैं क्या करता हूं, इसका भी एवरेज ले लेता हूं, इस पूरे की जगह पुट कर देता हूं एवरेज टाइम t। तो एक्सेलरेट करने का टाइम भी अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेते हैं। तो मेरे पास रिलेशन क्या आता है? vd वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू कितना? टाउ। क्लियर है यहां तक? यही इसमें किया हुआ है मैंने। देखो इसकी जगह मैंने जीरो लिया हुआ है, तो मेरे पास ये नई टर्म आ गई है, देखो ये रही, इसकी जगह मैंने टाउ पुट कर दिया, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन हमने थोड़ी देर पहले निकाल ली, क्या थी? -EE/mqE/m। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फॉर्मूले में इस टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये वर्ड रिलैक्सेशन क्यों बोलते हैं, अभी आंसर देता हूं। थोड़ा सा और डीप चलते हैं इसमें। डीप ऐसे चलते हैं, जब भी एक कंडक्टर है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो अंदर मेटल के अंदर एटम्स होते हैं जो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो तो नहीं मूव कर रहे ना, कौन मूव कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
जो शेल से बाहर है वो मूव कर रहे हैं, बाकी तो अंदर ही है, न्यूक्लियस भी अंदर है, एटम भी अंदर है, मेटल का आयन ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो अंदर कंडक्टर में पड़े मेटल आयन या न्यूक्लियस को जाके हिट करता हुआ जाता है। अब यानी कि वो कोलाइड करता हुआ जाता है अपने उस कंडक्टर के अंदर जो भी एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक, या आयन्स पड़े हुए हैं। आयन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन तो भाग गया तो अंदर तो आयन ही रह गया, तो पॉजिटिव मेटल आयन को कोलाइड करता हुआ जाता है। अब ये किस्मत है, मैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हूं, मैं कंडक्टर के अंदर भाग रहा हूं, मूव कर रहा हूं, मेरे सामने मेटल का आयन पहले आ गया तो मेरी टक्कर साथ की साथ हो गई। जब मेरी टक्कर साथ की साथ हुई, मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया ही था पर मेरी एक्सेलरेशन खत्म हो गई क्योंकि मेरी टक्कर से मेरी वेलोसिटी लूज हो गई। हाँ, क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, मैं फिर से रेस स्टार्ट करूंगा और फिर से स्टार्ट रेस से स्टार्ट होकर फिर से भागूंगा, एक्सेलरेट में करता रहूंगा पर बीच में ब्रेक्स है, कोलिजन की वजह से मेरी स्पीड ब्रेक हो जाती है। हाँ, किसी की किस्मत है, कोई एक्सेलरेट करता है उसके रास्ते मेटल का आयन आता ही नहीं है या लेट आ रहा है, तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सेलरेट कर जाता है या ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर सकता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में और आयन से उसकी टक्कर हो जाती है, उसको बोलते हैं वो वेलोसिटी लूज करता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भागता है और एक मेटल आयन को टक्कर मारता है, तब तक वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था फॉर टाइम T1, उसके बाद टक्कर हो गई, दूसरा कर रहा था फॉर टाइम T2, आखिरी TN और एवरेज क्या T। तो ये जो टाओ या T लिखा हुआ है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सबकी टक्कर होने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कोलिजन्स होंगी ये बात गारंटेड है। तभी तो आपने नोट किया होगा जब एक वायर में करंट दौड़ता है तो वायर गर्म हो जाती है, तारें गर्म हो जाती हैं और गर्मी में तो और भी गर्म हो जाती है क्योंकि बाहर की गर्मी और कोलिजन्स की भी गर्मी, इलेक्ट्रॉन तो बार बार हिट, लाखों करोड़ों एटम्स हैं, लाखों करोड़ों आयन्स हैं, तो कोलिजन तो होती जा रही है, तो वायर्स गर्म हो जाती हैं, आग भी लग जाती है, ऐसा ही होता है। तो ये जो कोलिजन्स हैं, ये जो कोलिजन्स हैं, तो इसी से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि कोलिजन रुकावट है, रुकावट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर में होने का रीजन भी यही टक्कर है। किसी वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसकी कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं जब वो किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। किसी वायर की रेजिस्टेंस बाय नेचर कम है, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता कम हो, या उनकी जो कोलिजन्स है मेटल आयन के साथ कम होती होंगी, तो उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम रहती है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है वायर गर्म भी जल्दी होती है क्योंकि कोलिजन ज़्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है, उनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स कम है, वो वायर गर्म भी कम होती है। तो इसीलिए इस टर्म का नाम क्या लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक, बोलो सर। जैसे कंडक्टर के अंदर तो E की वैल्यू जीरो होती है, तो फिर ये भाई एक मिनट, कंडक्टर के अंदर E नहीं लगाया, कंडक्टर के बाहर E लगाया, कॉर्नर्स पे एक्सटर्नल E लगाया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वैसे भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है कि आपने उसको चार्ज दिया था, वो चार्ज सरफेस पे आ गया तो वो चार्ज कितना E प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए, उसके कॉर्नर्स पे प्लस और माइनस डेवलप करवाया है जबरदस्ती, इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं है ये। ये तो आप समझते हो ना कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है एक कंडक्टर की तार का, ये पॉजिटिव है, मैं अंदर तो ये बोल ही नहीं रहा, ये माइनस है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये प्लस और माइनस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना कि आपने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के डेफिशिएंसी कर ली फिर देखो इसका ई क्या, ये वो थोड़ी ना क्वेश्चन हो रहा है। इसमें तो बैटरी से जबरदस्ती हमने ई प्रोड्यूस करवाया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता, ये तो समझ में आता है, यहाँ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये तो आता ही है समझ, तो यही समझा रहा हूँ मैं। आप उसको ई की फॉर्म में समझ लो या वैसे अट्रैक्शन समझ लो, और अगर आप वैसे अट्रैक्शन हाँ बोलते हो कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, फिर इसका मतलब ये भी मानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है,
खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्लियर है? हाँ जी ठीक है, यहाँ तक क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ड्रिफ्ट फिलोसफी का एक्सप्रेशन क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है ओके। अब जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, तो करंट पैदा होगा। वो करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको टॉपिक बताएगा, क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले क्या बता रखा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बता दिया, द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिफोर उसकी क्या हो जाती है, कोलिजन। तो उस एवरेज टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसमें करंट पैदा होगा या करंट जनरेट होगा। तो जो करंट आए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आपस में रिलेशन है, ये टॉपिक आपको बताएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक कंडक्टर लेंगे, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मान लो कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, लेंथ इज एल। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है, वॉल्यूम आ गया। अब इसमें मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां तक आया, उसकी वेलोसिटी कितनी है, फीटी। तो वो जो मूव कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। और मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है इन टाइम कितना, टी। मान लो किसी टाइम टी में वो अपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक। तो वॉल्यूम को मैं चेंज कर सकता हूं क्या, एरिया इंटू लेंथ की जगह क्या पुट कर लूंगा, वी डी इंटू टी, एस इज इक्वल टू वी टी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि वी डी तो कॉन्स्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, तो वी टी इंटू टी। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया टोटल। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं, छोटा एन। छोटा एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम में एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने वॉल्यूम में। तो मान लो स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर आपसे ये पूछूं कि इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इस एन को इस वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
क्यों? क्योंकि एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। तो ये मैंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, को किससे मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से। तो मेरे पास क्या आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था तो कितना चार्ज पास कर गया, चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल चुके हो, ये रहे। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ ये चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतना चार्ज फ्लो कर गया, बस हो गया खत्म। इस टाइम को, ये जो टाइम की वैल्यू है, इस टाइम को क्यू के नीचे ले आते हैं तो क्या जाएगा, करंट। तो करंट की वैल्यू आ गई, वीडी की वैल्यू क्या हो गई, आई बाय एन ए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट और करंट का फॉर्मूला, कि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वीडी इज आई अपॉन एन ए ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ई इज द चार्ज ऑफ द वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वीडी, वीडी की वैल्यू आ गई, राइट? ओके, एक बार साथ साथ देखो, तो वापस शीट पे चलते हैं अपनी हैंड रिटन। तो मैंने क्या बताया, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का पहला एक्सप्रेशन क्या आया था, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। तो इसमें मैंने बताया था टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर कुछ नोट लिखा हुआ है इसमें, मेटल्स हैव 10^28 पर मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटल में, कोई भी कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, 10^28। रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स एट अबाउट 10^5 मीटर पर सेकेंड, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10^-5, जबकि रूम टेम्परेचर में स्पीड देखो इलेक्ट्रॉन की 10^5, तो भी कोई करंट जनरेट नहीं होता क्योंकि नेट करंट कैंसल। नेक्स्ट है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, 10^-14, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला साथ की साथ उसकी क्या हो गई, कोलिशन। 10^-14 सेकेंड तो बहुत ही छोटा है, यानी कि हर वक्त वो टक्कर मारता ही रहता है, तभी तो कोई ऐसी वायर बनी नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस होती नहीं है। रेजिस्टेंस तो होगी होगी क्योंकि इतने छोटे टाइम में उसकी कोलिजन होती रहेगी। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो टाउ टक्कर मारने का टाइम, जब तक टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। टेम्परेचर से क्या होता है, मान लो करंट दौड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई क्योंकि एनर्जी मिल गई उसको, स्पीड बढ़ने से वो तेज़ भागा, तेज भागते उसकी टक्कर जल्दी हो गई, तेज भागेगा टक्कर भी जल्दी होगी, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन का टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए उसने क्या बोला, टाउ चेंज नहीं होता जब तक आप क्या ना चेंज करें, या तो मटेरियल चेंज ना कर दें, आपने कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया, हाँ टाउ चेंज हो जाएगा, आपने कॉपर का कॉपर रखा पर टेम्परेचर को आपने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू तब भी चेंज हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। निकाल लिया हमने, प्रूफ हमने कर लिया, तो क्या रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई बाय एन ए ई। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, करंट बाय एरिया क्या होता है, जे।
जे का मतलब करंट की डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जे इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी, वी डी इज अ वेक्टर, जे इज अ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आ गया। ये भी क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है ओम्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, ओम लॉ का प्रूफ, और क्योंकि एनसीईआरटी में आता है ओम लॉ का प्रूफ, तो इसको देखते हैं एक बार, रेफर बुकलेट है फिर से। देखो ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ की अगर बात आए तो काफी लोग कहेंगे हमें आता है, क्या आता है, V इज इक्वल टू आई इन टू आर, सही है, लेकिन ये लॉ की अगर स्टेटमेंट लिखने को आए तो मत लिखना V इज इक्वल टू आई आर बस हो गया, नहीं, आपने लिखना है, स्टार्ट यहीं से करना है, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट, लेंथ भी चेंज नहीं करनी, उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, टाउ कोलिजन्स जल्दी जल्दी हो जाएंगी, रेजिस्टेंस पे उसका असर पड़ेगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सारी कंडीशंस अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो भी इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का डिफरेंस, उल्टा ही बोल सकते हैं, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, आई प्रोपोर्शनल टू वी, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ओम लॉ के अकॉर्डिंगली वी जो है इज इक्वल टू क्या होगा, आई इन टू आर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स है, ठीक है, ठीक लिखा है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है?
ओके देखो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अंदर अगर आपके पास एक वायर है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस वायर के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, या उल्टा भी ट्रू है, करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे जो एनसीईआरटी में आ जाता है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, हमने ड्रिफ्ट के दो फॉर्मूलाज किए। पहला फॉर्मूला ये किया मैग्नीट्यूड में, वेक्टर को छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड में यही फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में क्या था, आई बाय एन ए। इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर लें, कर लिया इक्वेट, क्योंकि दोनों क्या दे रहे हैं आपको, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी। तो दोनों की वैल्यूज को आपने यहां पर इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके आपके पास ये टर्म आई। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो किसके इक्वल है, वी डिवाइडेड बाय एल। तो ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर और एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो ई की जगह वी बाय एल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई, यहां पर मेरे पास आएगा आई डिवाइडेड बाय एन ए ई इज इक्वल टू ई बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा, वी डिवाइडेड बाय एल इंटू कितना, टाउ। क्या पॉइंट क्लियर है, ई की जगह वी बाय एल पुट किया, बस लास्ट स्टेप है, इस V को और इस I को एक जगह रख लो, V डिवाइडेड बाय I नीचे ले आया, ये टर्म को यहाँ ले जाओ, M इंटू एल एन ए ई स्क्वेयर इंटू टाउ। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ से V बाय I की क्या हो गई, रेशो आ गई, क्लियर है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी वायर के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं होता, फॉर अ गिवन कंडक्टर का मतलब लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे, एन उस अगर लेंथ चेंज नहीं कर रहे, एरिया चेंज नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम रहेगा। ई चा तो है ही सेम, और टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, तो टाउ की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर। कोई डाउट इसमें, तो रेजिस्टेंस आर, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस आर भी कांस्टेंट है। तो ओम लॉ क्या है, वी बाय आई इज इक्वल टू क्या, आर। क्या स्टेप क्लियर है, अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अंदर देखो, इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करें, एम एन ई स्क्वायर और जेड को एक तरफ करें तो आपके पास आएगा वी बाय आई एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए इज इक्वल टू कितना, आर। क्या पॉइंट क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं किया, इसको साइड पे एल बाय ए साइड पे रीअरेंज किया। हम रेजिस्टेंस की इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं कर पाएंगे, हम इसको भी रिप्लेस कर रहे हैं बाय टर्म रो रो, तो V by I is equal to rho L by A is equal to क्या, R, where rho is known as resistivity, resistivity का दूसरा नाम specific resistance। तो ये अलग क्यों किया, इसलिए अलग किया क्योंकि किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे कॉपर है, कॉपर की resistivity constant है, आप लेंथ छोटी लो बड़ी लो, क्योंकि रेजिस्टिविटी ना तो एम चेंज होगा, ना एन चेंज होगा, ना ई चेंज होगा, ना टाउ चेंज होगा, तो ये रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की नेचर पे। तो अगर कंडक्टर की नेचर कॉपर एल्यूमिनियम कुछ भी गोल्ड, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी और क्वेश्चन में गिवन होती है। हाँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, रो एल बाय ए, तो जितनी बड़ी लेंथ लोगे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, एरिया जितना बड़ा लोगे रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट होगी, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यही किया हुआ है, चेक करो, इक्वेट कर लिया, ई की जगह वी बाय एल पुट कर लिया, वी बाय एल पुट करके वी और आई का रेशियो कॉन्स्टेंट, ये स्टेप यहां पता नहीं लिखा नहीं हुआ,
लिखा होना चाहिए था, इसके बाद लिख लो यहाँ पर एक मिनट, ये स्टेप लिख लेना, v by i इज इक्वल टू m n e स्क्वायर tau l by a, ये लिख लेना प्लीज़, इसके बाद ये स्टेप लिख लेना, और ये पूरे का पूरे की जगह क्या पुट करना, r, ये स्टेप लिख लेना प्लीज़, ये मिसिंग है स्टेप। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये भी तो प्रूव करोगे, ओम लॉ, ओम लॉ में क्या है, वी बाय आई इज आर इज अ कॉन्स्टेंट, ये भी लिखना पड़ेगा, ये लो हो गया ओम लॉ, फिर आर, हाँ वी बाय आर इज अ कॉन्स्टेंट, ओके, पर ऐसा चलो ठीक है, एक ही बात है, मैंने यहाँ आर लिख दिया सीधा, तो इसकी जगह मैंने आर पुट कर दिया, तो आर की वैल्यू साइड पर लिख दी आर है, और इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, रो पुट कर दिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एल बाई ए, वे रो का ये फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब एक बात बताओ, आर का ये फॉर्मूला है, अगर मान लो किसी भी वायर का टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन उसका तेज़ भागेगा, तेज़ भागेगा तो उसकी कोलिजन जल्दी होगी, अगर उसकी कोलिजन जल्दी होगी तो टाओ उसका उतना ही कम होगा, जल्दी कोलिजन होगी तो रेजिस्टेंस उसकी उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए इसीलिए रेजिस्टेंस किसी भी वायर की उसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा टाउ उतना कम होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, याद रखना, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब इसमें रेजिस्टेंस 1 ओम है, ओम में मेजर की जाती है, सबको पता है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल होता है या कब फेल हो जाता है या एप्लीकेबल कब नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं आई और वी का ग्राफ प्लॉट करूं तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये तो बिल्कुल सही ग्राफ है, अगर मैं प्लॉट करूँ इसको ज्वाइन कर लेना पूरा सही ग्राफ है, पर क्या होता है कि जब बहुत देर तक करंट पास करता है एक वायर में से, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा करंट देर के लिए पास करेगा, कोलिजन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टक्कर होने का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ओम्स लॉ ये कहता है कि V by I इज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो V by I इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि R की वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो आप खुद देखो V इज इक्वल टू आई आर में वैसे R कॉन्स्टेंट होता है, पर इसमें R स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो जब R इंक्रीज होगा तो V की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब R इंक्रीज होगा तो V की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्लियर है यहाँ तक, तो ऐसे केस में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, थोड़ी देर तो ओम लॉ फॉलो करेगा, लेकिन जब वायर गर्म हो जाएगी तो ओम लॉ में V बढ़ जाएगा, V क्यों बढ़ेगा, क्योंकि करंट तो बढ़ ही रहा है, साथ में R की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से V की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो V की वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा कब, जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, मैंने बताया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो ओम लॉ है वो वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा,
क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद ओम लॉ और कहां फेल होगा? देखो, ओम लॉ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, हम करेंगे चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर में ग्राफ बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ऐसा क्यों आता है, उस चैप्टर में स्टडी करवाया जाएगा। तो ओम लॉ यहाँ पर नहीं चलता। इन केस ऑफ थायरिस्टर्स, थायरिस्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, तो उसमें ग्राफ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। जब सेमीकंडक्टर में नहीं करता, थायरिस्टर में कैसे करेगा? तो इन तीन जगहों पर ओम लॉ का फेलियर आपको दिखेगा, नहीं लगेगा। बस एक नंबर का एनसीईआरटी में आता है तो पूछेगा कहां कहां ओम लॉ फेल होता है, आप तीन पॉइंट लिख देना, राइट? थायरिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, याद ही करना पड़ेगा। देखो, ये देखो, ये देखो, फिर से अपने हैंड एंड बुकलेट पे आओ। तो इसमें ओम लॉ के बारे में लिखा, V इज इक्वल टू आई आर लिखा, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, जो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर पे करती है। रो का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, R की वैल्यू भी मैंने लिख दी। क्लियर है यहाँ तक? प्रूफ के लिए बुकलेट रेफर करनी है। फेलियर कर लिया डिस्कस। कंडक्टेंस जी इज वन बाय रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज वन बाय रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला याद रखना है। ओम लॉ का प्रूफ फिर से इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओम लॉ का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें और V इज इक्वल टू आई आर में कोई फर्क नहीं। तो ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी ऐसे दिखेगा। देखो कैसे, तो आपको यह पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, आर क्या होता है V बाय आई, आर क्या होता है रो एल बाय ए, करंट और एरिया एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, करंट बाय एरिया क्या है जे, वेक्टर फॉर्म में ई इज़ अ वेक्टर, जे इज़ अ वेक्टर, आंसर। तो बेसिकली क्या किया, V इज इक्वल टू आई आर को मॉडिफाई करके ये लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। R इज V बाय आई, R का फॉर्मूला रो एल बाय ए, करंट और एरिया एक तरफ जो कि क्या होता है J, और वन बाय रो क्या होता है सिग्मा, आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हैं उल्टा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, प्रूफ से ओम लॉ प्रूफ करना है तो आपने लिख दिया J क्या होता है करंट बाय एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो L और A एक तरफ, रो L बाय A क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज V बाय I, आंसर। तो फॉर्मूले कोई प्रूफ कर दिया, एक ही बात है।
तो बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर तक लेके जाना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी वैसे ही ये कर दो, नहीं तो वो करना है वो कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। एक उल्टे स्टेप तो लिखे, ये सीधे हैं वो उल्टा कर दिया, सारा रिवर्स किया, ठीक। सिग्मा चार डेंसिटी होती थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अब वो नया रूप लेके आई है, उसको कंडक्टिविटी बोल देंगे, इस चैप्टर में कंडक्टिविटी है, ठीक। सो नहीं आएगा, नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी मिक्स होके नहीं आती। देखो रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, क्लियर है? रेजिस्टेंस का कॉज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉलिजन्स आर द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड होगा ऑन देयर वे, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयन, मैंने बताया देयर मोशन इज अपोज्ड, दिस ऑपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर, किसी में टक्कर ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, वो नेचर ऑफ कंडक्टर है, तभी तो रेजिस्टेंस अलग अलग मटीरियल की डिफरेंट है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब इस पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में पक्का आएंगे, नीट में आ सकते हैं, मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कह नहीं सकता, किस्मत अच्छी है तो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मालूम नहीं, लेकिन बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर ओम्स है, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, लेंथ इसकी कितनी है, एल है, और रेडियस क्या है, आर। आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, और खींच के कितने टाइम्स कर दिया, एन टाइम्स ही ओरिजिनल लेंथ कर दिया, क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आपने इसको खींच दिया, खींच के लेंथ लंबी हो गई और रेडियस क्या हो गया, छोटा हो गया, तो लेंथ एल की जगह एल डैश, रेडियस आर की जगह आर डैश। अब खींचने से क्या होता है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम को इक्वेट कर लिया, इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश, और एल डैश की जगह क्या पुट किया, एन इन टू एल, तो यहां से पाई एल से एल कैंसिल, तो आर डैश स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय एन, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो नया रेडियस आ गया इन टर्म्स ऑफ पुराना रेडियस। अब शुरू करते हैं रेजिस्टेंस, तो पहले जब नहीं खींचा था तो लेंथ क्या थी एल, एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। जब खींच दिया तो लेंथ कितनी है, एल डैश, एरिया कितना है, पाई आर डैश का स्क्वायर, क्लियर है? तो आर डैश लेंथ कितनी है, एल इन टू एन, और आर डैश स्क्वायर कितना आया था, आर स्क्वायर बाय एन, तो ये क्या आ गई, नई रेजिस्टेंस, ये नई रेजिस्टेंस, ये पुरानी रेजिस्टेंस, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो रो से रो, एल से एल, आर से आर, सब कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो नई रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गई, एन स्क्वायर टाइम्स हो गई, तो ये एक शॉर्टकट बन गया आज के बाद, ऑब्जेक्टिव में तो शॉर्टकट लगाएंगे। अगर मैंने वायर को तीन गुना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी, थ्री का स्क्वायर नाइन टाइम, खींच दिया, काट दिया, नहीं कट करने वाला एग्जाम्पल नहीं है ये, कि खींचने वाला स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल है, क्लियर है यहां तक, ठीक। जैसे एक वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है, कितना स्ट्रेच कर दिया, थ्री टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, थ्री का स्क्वायर इंटू 10, 90, सिंपल सीधा शॉर्टकट। नेक्स्ट है, अगर एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, लेंथ है एल, मैंने उसको कट कर दिया, कट करने का मतलब लेंथ कितनी होगी, एल बाई टू, एल बाई टू। अब जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है रो एल बाई ए, रो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसका भी मटेरियल वही है, इन दोनों का भी मटेरियल वही है, तो रो तो चेंज होगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड से तो कटिंग नहीं की, एरिया विल रिमेन सेम, क्या चीज चेंज हुई, सिर्फ लेंथ, तो जिसकी लेंथ आधी हुई उसकी रेजिस्टेंस भी आधी होगी, आर बाई टू, क्लियर है यहां तक, लेंथ एल बाई टू तो रेजिस्टेंस आर बाई टू।
तो आर बाई टू आर बाई टू, तो कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कटिंग का एग्जाम्पल आ जाएगा, कट कर दिया तो जितनी लेंथ कम हुई रेजिस्टेंस भी उतनी कम हो जाएगी. वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम की रेजिस्टेंस है, इट इज मेल्टेड, मेल्ट कर दी एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ. जब ये मेल्टिंग वाली प्रॉब्लम है इसमें वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो पहले वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एल, मेल्ट करने के बाद लेंथ क्या हो गई हाफ, तो रेडियस आर डैश, तो रेडियस का रिलेशन आ गया, नया रेडियस पुराना रेडियस. फिर वो क्या कह रहे हैं, नई रेजिस्टेंस, ने पुरानी रेजिस्टेंस क्या थी रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, नई रेजिस्टेंस क्या है रो लेंथ की जगह एल बाय टू, क्यों नई लेंथ क्या है एल बाय टू और एरिया की जगह पाई आर डैश का स्क्वायर. तो इन्हें यहां से आर डैश स्क्वायर की जगह टू इंटू आर स्क्वायर, लेंथ की जगह एल बाई टू, तो नई और पुरानी रेजिस्टेंस को डिवाइड करके ये रेशियो आ गई. पुरानी रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 16 के मैंने, तो नई रेजिस्टेंस कितनी है 4. तो नई रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, निकालना पड़ेगा बाय फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रूएल बाय ए. कह रहे परसेंटेज चेंज कितना आ गया, पहले 16 थी 4 हो गई, पहले 16 थी इंटू 100 75% चेंज हो गया. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक. कलर कोडिंग, देखो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कलर कोडिंग में क्या है, जब आप रेजिस्टेंस को परचेज करके लाते हो मार्केट से लेके भी आते हो तो उसके ऊपर ना रंग गिवन होते हैं, रिंग्स होती हैं, कलर की रिंग्स हैं, उन कलर्स को देख के आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो अप्रोक्सीमेट कि क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. पर प्रोवाइडेड आपको ये चार्ट याद होना चाहिए. क्या चार्ट है, ये सीक्वेंस याद करो कलर्स का, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और वाइट. तो किसी अंग्रेज ने बनाया तो अपने हिसाब से उसने कहानी बनाई, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, या राम श्याम जो करना है वैसे कर लो, जो आपके फ्रेंड्स हैं वैसे याद कर लो, सीक्वेंस ये लिखना है. तो कलर का सीक्वेंस हो गया, फिर उसके बाद नंबरिंग डालो 0, 1, 2, 3 करके 9 तक, फिर यहाँ पर 10^0, 10^1, 10^2, 10^9 तक. तो बन गया चार्ट, कलर सीक्वेंस याद करना है, नंबरिंग लिख ली. टॉलरेंस बताता हूँ क्या होता है, एक अगर कलर मान लो एंड में गोल्ड की बने तो आपने एंड में 5% याद रखना है वैल्यू, सिल्वर में 10% और नो कलर में 20% टॉलरेंस. क्या है टॉलरेंस बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये चार रंग हैं आपको गिवन है, रेड 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 और सिल्वर, पहले दो कलर इसमें से यहाँ से शुरू करना है, पहले दो कलर आपने जो लेने हैं वो आपने इस कॉलम से लेने हैं, इस कॉलम से लेने हैं पहले दो कलर. पहले दो कलर कौन से हैं, रेड, दूसरा कलर कौन सा है रेड, रेड रेड बिकम्स 22, 2, 2. तीसरा कलर भी क्या है रेड, तीसरा कलर आपने यहां से लेना है, लेकिन तीसरे कलर के आगे क्या लगेगा पहले मल्टीप्लाई, रेड रेड रेड. अब तीसरा कलर ये आएगा 10^2, तो वैल्यू क्या आई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10^2, तो 2200 ओम्स की रेजिस्टेंस है. आखिरी कलर क्या है पीछे सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस क्या है 10%, तो प्लस माइनस 10% ओम्स इज द आंसर. इसका मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस 2200 ओम है, 10% ज्यादा या कम के बीच में लाई करेगी, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 10% ज्यादा भी हो सकती है और कम, इसके बीच बीच में लाई करेगी, रेंज बताती है टॉलरेंस आपको. वापस मान लो आपको कलर गिवन है ऑरेंज, मान लो एक नया क्वेश्चन आ गया, आपको कलर वो दे रहा है कौन सा ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू ब्लू येलो येलो एंड गोल्ड. आपने पहले दो कलर ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लू, तो क्या लिखना है 34 यहां से ले लिए. तीसरा कलर से पहले क्या लगेगा मल्टीप्लाई, तीसरा कलर क्या है ओ सॉरी 6 ओके ओके
देखो फिर से, ऑरेंज थ्री, ऑरेंज एरा थ्री, ऑरेंज इज थ्री, ब्लू इज सिक्स, तो 36 मल्टीप्लाई, येलो, येलो यहां से आएगा 10 की पावर 4, लास्ट कलर क्या है, गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या आएगा, प्लस माइनस 5% ओम इज द आंसर। तो पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और चौथा कलर, अगर चौथा कलर नहीं है तो नो कलर का 20%, ऐसा नहीं होगा दो रंग दे देगा, एक देगा या पांच छह दे देगा, नहीं, हाँ तीन मिनिमम देगा, चार मैक्स देगा, तीन और चार के बीच में रहेंगे। जैसे ये देखो, जैसे सपोज ये टेबल तो याद ही करना है, येलो, वॉयलेट, ब्राउन और गोल्ड चेक करो, येलो कलर में क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, येलो की जगह फोर, वॉयलेट कितना आ रहा है, सेवन, मल्टीप्लाई ब्राउन क्या आ रहा है, 10 की पावर 1, प्लस माइनस गोल्ड का मतलब 5%, ठीक है। जैसे जैसे ये देखो, ग्रीन, वॉयलेट, रेड, ग्रीन का नंबर होगा 5, वॉयलेट का नंबर होगा 7, तो 57, रेड का मतलब 10 की पावर 2, और कोई कलर ही नहीं है तो प्लस माइनस 20% इज द आंसर। तो कलर कोडिंग क्लियर है कि अगर कलर कोडिंग आएगी कैसे आएगी, नीट में बहुत आती है पेपर में, नीट में एक क्वेश्चन तो यही आ जाता होता है, ठीक, मेन में भी आ जाता है, बड़ी बात नहीं है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन डालना तो डाल देते हैं कभी कभी। यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं होती ना, तुम्हें क्या पता कितनी टक्करें होंगी, जब वायर काम करेगी, रेजिस्टेंस तो वेरिएबल होती है ना, तो अप्रोक्सीमेट रेंज ही बता सकते हो आप कलर देख के, कार्बन की बनी होती है रेजिस्टेंसेस, इसलिए तो कलर कोडिंग से रंग देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, गोल्ड हाँ गिवन होंगे, रिंग छुपा लेगा, कलर छुपाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, रंग तो देगा, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, चार्ट में इस टेबल में से आएगा। ओके देखो, सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, इसके अंदर ओम लॉ हमने किया, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो का फॉर्मूला किया और रो इज 1/σ। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो, तो फाइंड द रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटीरियल और लेंथ कितनी है, एल गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस आ गया, मीटर में कन्वर्ट करके रेडियस आ गया एंड रेजिस्टेंस भी आ गई। अब क्वेश्चन में आर रेजिस्टेंस पता है, रो निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही आता है, क्या फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, तो आपको आर पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, लेंथ भी पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी। तो आइडिया क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, तो अगर आर गिवन है, रो निकालना है तो अप्लाई करो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक। जैसे फाइंड, देखो इसके अंदर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, बस आइडेंटिफाई करो क्या गिवन है और क्या लगेगा, बस देखो फाइंड क्या, रेजिस्टिविटी फिर से क्या निकालना है, रो, करंट डेंसिटी क्या गिवन है, जे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ई। अब देखो ई और जे का फॉर्मूला आपको पता है, ये सॉल्यूशन मत चेक करना, लंबा किया है, क्या फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल टू
ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख के बोलना क्या था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और जे इज इक्वल टू सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय रो। तो आपको क्वेश्चन में क्या पता है, करंट डेंसिटी पता है, आपको ई पता है, आपको क्या निकालना है, रो। ये लंबा तरीका है, इसको मत देखो, उसको देख लो, डन। एक लाइन में आ गया, क्या है पॉइंट, क्लियर है? मैंने क्या बोला, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या दो चीज़ें गिवन है और क्या निकालना है, सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है? जैसे वायर जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, इज यूज टू वाइंड अ क्वाइल 7 सेंटीमीटर। कह रहे एक क्वाइल बनानी है ऐसे ऐसे, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की क्वाइल बनेगी गोल गोल घुमा के। इस पूरे की रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है, 7 सेंटीमीटर का क्वाइल बना दिया, हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 mm। अब ये कौन सा डायमीटर है, दे तो दिया 7, कौन सा, वायर का क्रॉस सेक्शन, ताकि आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, क्लियर है? तो ये रेडियस अलग है और ये वाला रेडियस अलग है। तो जैसे अगर मैं पूछूं इसमें n टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ वायर की कितनी है, 2π × 7 × 10⁻², इसका सर्कमफ्रेंस इंटू एन, क्या पॉइंट, क्लियर है? तो आपके पास क्या आ गया, टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई, और आपको इस क्वेश्चन में यही तो निकालना है। वो कह रहे रेजिस्टेंस तो ले लो पूरी वायर की, ये बताओ इसमें एन टर्न्स कितने लिए आपने, आपको एन बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, आपको इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो पता है, तो आर और रो का एक ही तो फॉर्मूला आता है, आर इज रोयल बाय ए। रेजिस्टेंस 4 पता है, रो मुझे स्ट्रेट अवे पता है, लेंथ में क्या पुट करूंगा, सर्कमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया की जगह क्या पुट करूंगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, लेकिन रेडियस क्या यूज करूंगा, 1.4 mm को डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि कैसे इसमें एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? यस सर, ठीक है। बस इसमें रेडियस में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा रेडियस कहां लेना है, ठीक। जैसे वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है, स्ट्रेच टू थ्राइस द ओरिजिनल लेंथ, तो मुझे पता है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर इंटू 10, 90 किया हमने तो एक आंसर आ गया 90, तो रो का क्या होगा, रो भी 90 टाइम्स हो जाएगा, नहीं, रो विल रिमेन सेम, क्योंकि खींचने से मटीरियल चेंज नहीं हुआ, तो मटीरियल रिमेनिंग द सेम, तो रो की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो ये इसका क्वेश्चन है। जैसे एक वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 16 ओम, इट इज मेल्टेड, पिघला दी एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, तो पिघला के हमने आधी लेंथ बना दी। ये तो वही क्वेश्चन है आज जो भी किया, 75% वाला सेम है, रिपीट है क्वेश्चन, शीट में था ये। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, वायर को स्ट्रेच कर दिया एन टाइम, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हुई, एन स्क्वायर टाइम्स, ठीक, शॉर्टकट है। इस क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं मैंने सोचा नहीं,
ओके क्लियर है यहां तक? देखो तो टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, तो मास दोनों वायर्स के एग्जैक्टली सेम है, सेम मेटल आर टेकन, रो भी दोनों का सेम है, डायमीटर ऑफ ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ बी, डायमीटर की रेशियो है, रेडियस की रेशियो भी गिवन है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 24 ओम, तो रेजिस्टेंस की कितनी है 24 ओम, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर ए की जगह ये ए कर लेना, ये ए है ये भी ए है और ये बी है तो ये भी बी है, तो आर ए बाई आर बी इज रो एल बाई ए रो एल बाई ए, ये स्टेप क्लियर है। इसको रीअरेंज करके ये टर्म आ गई, इसके अंदर आपको रेडियस की रेशियो तो गिवन है क्वेश्चन में, आपको किसकी रेशियो निकालनी है, लेंथ की जो गिवन नहीं है, पर आपको इसके बदले में क्या गिवन है, मास एग्जैक्टली सेम है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है फर्स्ट वायर का, पाई आर स्क्वायर एल इनटू डेंसिटी डी, सेकेंड का पाई आर स्क्वायर एल इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इसलिए सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो यहां से सॉल्व करके एल ए बाई एल बी की वैल्यू आ गई, तो यहां से एल ए और एल बी की वैल्यू को पुट करके रेजिस्टेंस की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड क्लियर है, पहले फॉर्मूला लिख लो, यहां पर आ जाओगे गिवन है, ये निकालने के लिए मास को क्या कर दिया सेम आंसर। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक हो जाएगा? ठीक। यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू फोर सेगमेंट्स, काट दिया, कैसे काटा, ईच सेगमेंट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अर्लियर सेगमेंट, तो पहले की सेगमेंट अगर एल है तो दूसरे की सेगमेंट ट्वाइस टू एल है, तीसरे की ट्वाइस, चौथे की और ट्वाइस, तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज, आर टू आर फोर आर एट आर। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें शॉर्टेस्ट सेगमेंट चार ओम का है, तो आर अगर फोर ओम का है तो ये टू इंटू फोर है, फोर इंटू फोर है, एट इंटू फोर है। कह रहे ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर की क्या थी, देखो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, हमने नेक्स्ट टाइम करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो एक के बाद ज्वाइन करूंगा तो दे विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, और आपने छोटी क्लास में किया होगा सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस, तो ऐड करके टोटल आंसर आ गया, तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 60 है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है, कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो आर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है, ड्रिफ्ट निकालनी है, वीडी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एन गिवन है, एन गिवन है, राइट? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आई बाय एन ए, तो आई देखो आपको एन पता है, आपको एरिया पता है, आपको ई पता है, आपको आई नहीं पता, लेकिन आई के बदले में आपको वी पता है और आर पता है, तो क्या करेंगे, आई की जगह वी बाय आर, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, आई की जगह बी बाय आंसर, कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। जैसे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है, ई निकालना है, ई निकालना है, एरिया आपको पता है, करंट आपको पता है, और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा पता है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इन टू ई, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाय एरिया, सिग्मा इन टू ई, आपको ई पता है, करंट पता है, एरिया पता है, सिग्मा आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो इसको ट्राई करोगे शीट को एक बार, बचे हुए क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला क्लियर होंगे, तो इस शीट को आपने ट्राई करना है,
और अगली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फुल फॉर्म में आएगी, क्योंकि उसमें फिर रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल के अच्छे ट्रिकी, और पहले एनसीईआरटी चलेगा एक लेक्चर, पहले इजी कैसे सीरीज पैरेलल लगेगा, फिर थर्ड लेक्चर से फिर एकदम चेंज होगा। तो पहले पहले एनसीईआरटी करेंगे दो तीन लेक्चर में, फिर आगे चेंज करेंगे कॉम्पिटिशन में। क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।